अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मसूद अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बूम बर्ड। व्यूअर्स, आज हम कुछ बर्ड्स के डीएनए कराने जा रहे थे जो कि पेल फेलो के बर्ड्स हैं, जिनके कुछ ऑर्डर था और कुछ डीएनए यहां से होंगे और कुछ रजा भाई के शेर से होंगे। तो सोचा आपसे शेयर करते जाएं कि डीएनए सैंपल हम किस तरीके से कलेक्ट करके डीएनए के लिए भेजते हैं। तो बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ अकेला हूँ वीडियो बना सकूँ, अगर नहीं तो फिर रजा भाई के शेड में डीएनए के सैंपल कलेक्ट करते हुए आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए कलेक्ट करते हैं बर्ड से डीएनए। तो व्यूअर्स, ये कुछ डीएनए जो मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, अब बाकी रजा भाई के शेड से जाके कलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेला नहीं कर सकता था। तो वहाँ पर आपको ज़रूर दिखाऊंगा किस तरीके से हम कलेक्ट करके डीएनए भेजते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं, आप मेरे साथ चलिए व्यूअर्स रजा भाई के शेड पे, वहाँ से भी कुछ डीएनए कलेक्ट करने हैं। जो जो बर्ड्स ऑर्डर के हैं वो ऑर्डर के लिए देने हैं, तो वहाँ पर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा किस तरीके से हम बर्ड्स को पकड़ के उनके डीएनए निकालते हैं। तो व्यूअर्स, रजा भाई के शेड में आ चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा कुछ पेल फेलो का ऑर्डर लगा हुआ है और डीएनए के लिए भेजना है, कुछ हमारे शेड से निकला है, कुछ इनके शेड से निकाल के भेजने हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कैसे हम डीएनए कलेक्ट करते हैं और इसे डिलीवर करते हैं। तो रजा भाई आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम रजा भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मसूद भाई? बस अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बस अल्लाह का करें आप सुनाएं। जैसा कि डीएनए आपने आप और मेरे शेयर से पेल फेलो के डीएनए जा रहे हैं, तो व्यूअर्स को बताएं कम से कम कितना ऑर्डर है पेल फेलो का? पेल फेलो के जो है माशाल्लाह स्प्लिट के भी ऑर्डर लगे हुए हैं और विजुअल के भी लगे हुए हैं, जिसके अंदर पार ब्लू भी मौजूद है, पार ब्लू पेल फेलो भी है और ग्रीन का थोड़ा सा ऑर्डर ज़्यादा है। ये आपको वही बताया, ग्रीन की थोड़ी सी सस्ती पेयरिंग होती है स्प्लिट टू स्प्लिट की, सही है, तो वो ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है। जो मतलब जो ऑर्डर लगाता है तो वो ज़रा सिर्फ दो तीन पेयर खास कर लेता है, तो फिर उसको हम डीएनए करवा के देते हैं। सही, क्योंकि सस्ती पेयरिंग है तो फिर उसके साथ डीएनए उस टाइम होता है कि जब आप अच्छा ऑर्डर दे रहे हो तो फिर डीएनए करवा देते हैं, वरना वैसे डीएनए मैं नहीं करवा रहा अपना। चले अब व्यूअर्स को दिखाते हैं हम कैसे डीएनए कलेक्ट करते हैं और अपने जो है डीएनए कैसे वहाँ पर सेंड करते हैं। चले तो चलिए रजा भाई इसके फैदर कलेक्ट करें। ये देखें, ये आपने यूँ पकड़ा और ये निकाल दिया आपने, ज़रा खींच के निकालने ज़ोर से, क्योंकि बर्ड जो है ना थोड़ा सा काट रहा होता है इस दौरान। ये एक पर का ये निकाला और दूसरे का यहाँ से ये पकड़ के ये निकाला आपने, और तीसरे का ये दुम से निकाल दिया। दो तीन पर जो है हाथ में आए नीचे की तरफ से, ऊपर से नहीं, ऊपर से असल में वो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। सही, ये देखो। तो ये हमने इसको, ये सैम्पलिंग हमारी हो गई पार ब्लू पेल फेलो की, और पॉसिबल ऑफलाइन है ये, पॉसिबल अगर मेल हुआ तो ये मेल हुआ पॉसिबल ऑफलाइन है, पॉसिबल ऑफलाइन है। ये देखें, ये व्यूअर्स हमने देख दिया इसका डेटा, और एक आध बर्ड हम और पकड़ के आपको दिखाएंगे। काफ़ी बर्ड हैं, बर्ड बहुत सारे हैं, टाइम बहुत हो जाएगा, एक आध बर्ड और जल्दी ले आए रजा भाई, दूसरा बर्ड लें। तो व्यूअर्स एक और ग्रीन पेल फेलो आ चुका है जो कि इसलिए ब्लू भी है, इसके भी हम डीएनए चेक करेंगे। मेल हुआ तो ये जो है मेल हुआ तो ये पॉसिबल ऑफलाइन होगा। अच्छा, चलें रजा भाई इसके निकालें फैदर, वही फैदर जैसे बताए थे पहले होने से। बर्ड माशाल्लाह ऐसे हो रहे हैं, खा खा के बुट्टा कैटल, अच्छा हाँ, बेड़ा गर्क कर रहे हैं हाथ का, जहाँ गड़ो रहे हैं दोबारा उतार ली बोटी लेके ही निकल लेंगे। ये देखें, ये निकाल लिए बर्ड, आप चेक करें क्या ज़बरदस्त खूबसूरती के अंदर, खूबसूरत फैदर के अंदर। ये देखें और साइज़ देखें, जम्बो ज़बरदस्त साइज, जम्बो साइज़ के अंदर VIP। तो व्यूअर्स इस वीडियो से लेते हैं ज़्यादा, काफ़ी बर्ड्स हैं, हम कलेक्ट करते रहेंगे। रजा भाई लास्ट में आपने कुछ कहना है? लास्ट में यही कहना है कि लाल आँख पकड़ के रखो और जिंदा रहोगे हॉबी के अंदर, लाल आँख बस। ठीक है जनाब, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।